वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूस से पहले हमने तकरीबन 5 टेंस डिस्कस कर लिए हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलते हैं बगैर किसी देर के, कुछ देर किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जहां तक तल्लुक है तो सबसे पहले तो इसकी पहचान, कि उसकी पहचान क्या है। पहचान का मतलब यह है कि उर्दू फिक्रे के आखिर पर, यानी उर्दू फिक्रे को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो हमारा है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो उसकी पहचान यह है कि उर्दू जुमले के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वगैरह आता है, यानी उर्दू के जुमले के आखिर पर। मसलन वो खाना खा रहा था, हम कॉलेज जा रहे थे, अकरम सो रहा था, यानी रहा था, रही थी, रहे थे, आमना कपड़े धो रही थी। तो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इसका मतलब ये है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर पे आता है फार्मूला। फार्मूला का ये मतलब है कि जब हमारे पास उर्दू का कोई सेंटेंस दिया गया हो या हिंदी का कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो उसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले हमने लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद नंबर टू हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नंबर थर्ड हमारे पास आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी का इजाफा, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना होता है, और एंड पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट क्या फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगली बात यह है कि इसमें अगर हमने हेल्पिंग वर्ब का तज़किरा किया है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का जहाँ तक तल्लुक है तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा वाज या वर, यानी या वाज हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर आएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वाज या वर में से दोनों में से कौन सी चीज़ लगानी है। तो ये वाले जो आपके पास प्रोनाउन नज़र आ रहे हैं, यानी ही, शी, एट सिंगुलर नाउन या आई, इनके साथ हम लगाते हैं वाज। उसके बाद जो बाकी हमारे पास प्रोनाउन जितने भी बचे हैं जैसे वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हमने लगाना होता है वर्ब। और उसके बाद आईएनजी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा जो है वो पूरे के पूरे सारे सेंटेंसेस के अंदर होगा। मसलन हम आते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, सेंटेंस को हल करके हम देखते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, मसलन वो सो रहा था, ही वाज स्लीपिंग। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ हमारे पास जो वर्ब होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही अपना मकसद, अपना मीनिंग क्लियर कर रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इसके एंड पे भी ऑब्जेक्ट का इजाफा हमने नहीं किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, वो आम खा रहे थे, दे वर ईटिंग मैंगोज। इसके अंदर दे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वर हमने लगाया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, ईटिंग हो गया, और एंड पे हमारे पास जो मैंगोज हैं वो हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर ली। तो ये हमारे पास क्या था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें, इसका हम अगर थोड़ा सा कंपेरिजन करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, तो इसका फार्मूला और उसका फार्मूला बिल्कुल टोटली सेम है। जस्ट जो डिफरेंस है, जो फर्क है वो कहाँ पे है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के अंदर है। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने लगाया था वो था इज, एम, आर, और यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज या वर।
और उसकी पहचान को अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान थी वो थी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह, और इसमें सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे। यानी उनको अगर हम कंपेयर करके चलते हैं तो हमारे पास दोनों टेंसेज जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इनकी जो पहचान है उसमें भी थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, और इनका जो स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में, यानी इज एम आर की जगह पे वाज वर जो है वो इस टेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। बाकी फार्मूला सेम है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी हम लगाते हैं वो भी सेम है। और इस पे हमने पहले भी बात की थी कि जो आई एन जी का इजाफा है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है, वो सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ हम इजाफा बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। यदि हमारे पास अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई फिक्र है और उसको हमने नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास जनरल यूनिवर्सल फार्मूला, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जब भी हमने किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है और उसके अंदर अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, वो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, तो हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब हो हमने उसके बाद नॉट का इजाफा कर देना है। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने जस्ट नॉट लगाना है तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हमने उसमें डू या डज या डिड वगैरह लगा के हमने उसको बनाना होता है, लेकिन वो बात जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होगा इसके साथ हम नॉट का इजाफा कर देंगे। जब नॉट का इजाफा करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो खाना नहीं खा रहे थे, तो मनफी फिक्र हो गया। इसको जब हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? दे वर नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहे थे। वो कॉलेज नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा रही थी। उसके बाद हमारा इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस या मनफी फिक्रा हम कैसे बनाते हैं। तो मनफी फिक्रा बनाने का भी सेम एग्जैक्ट वही फार्मूला है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सेंटेंस के शुरू में लगा देना, सेंटेंस के स्टार्ट में रख देना। यानी वाज या वर को हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। मसलन, क्या वो पानी पी रहा था? तो इसको हमने अब क्या करना है, सवालिया फिक्रा बनाना है, तो हमारा जो वाज है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। वाज ही ड्रिंकिंग वाटर, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कोई और सेंटेंस में आते हैं, क्या वो कपड़े धो रही थी? वाज शी वॉशिंग द क्लोथ्स, इंटरोगेटिव साइन। और ये बात याद रखनी है कि जब भी हमने किसी सेंटेंस को इंटरोगेट करना है, यानी हमने सवालिया फिक्रा बनाना है, तो उसके एंड पे फुल स्टॉप की जगह पे सवालिया निशान लाजमी लगाना, यानी इंटरोगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना। इंटरोगेटिव साइन के बगैर वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग कंसिडर होता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा आप अगर इसको बेहतर करने के लिए कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में जाके दे सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो किस टॉपिक के हो, आप नेक्स्ट कमेंट के अंदर जाके टॉपिक भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं।